हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि अभी क्योंकि कोविड 19 चल रहा है, इसकी वजह से क्या है कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई है रिटेल सेक्टर्स में। तो मेरे पास काफ़ी मैसेज और कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि प्लीज़ सर, मुझे कहीं पर आई नीड ए जॉब, आई वॉन्ट टू जॉब, आई लुकिंग फॉर जॉब, इस टाइप के कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियो के ऊपर। कमेंट इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली ट्रेनिंग के पर्पज़ का है, जिसमें मैं आपको जो है ना जो रिटेल्स की नॉलेज है वो देता हूँ। ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे मैं आपको जॉब प्रोवाइड करवाऊँ। तो प्लीज़ इस टाइप के कमेंट ना करें। और मैं आपको एक रास्ता बताना चाहूँगा कि जहाँ से आप लोग जो है ना अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है वहाँ पे जाके आपको लिंक्डइन एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके आपको अपना जो है ना पूरा उसमें जो प्रोफाइल है, सारी डिटेल मांगी जाती है, वो सब आपको उसमें फिल करनी है। आपको अपना अपडेटेड जो आपका CV है उसको उसमें लगा देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है ना आपके जितने भी आपको जिस टाइप की जॉब चाहिए उस टाइप के लोगों को आपको वहाँ पर सर्च करना है। सर्च बार में जाकर उन लोगों को वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं रिटेल में काम करता हूँ, तो मैं रिटेल के ज़्यादातर HRs को अपनी जो है ना जो रिटेल सेक्टर्स में काम करते हैं या स्किल सेक्टर में काम करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, जिससे कि हमारा एक नेटवर्क बड़ा नेटवर्क बन जाए। और जब किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो पोस्ट होता है उसमें जॉब के रिगार्डिंग पोस्ट डाल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से उस जॉब को देखा, उसमें mail ID होती है, नंबर होता है, तो जिस वे के द्वारा वो बोलते हैं कि आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, या फिर जिस वे से उन्होंने बोला कि आप जो है ना अपना रिज्यूम यहाँ पे सेंड कर दीजिए, तो हम लोग जो है ना रिज्यूम अपना सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, एक और चीज़ है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर है Naukri.com, इसकी भी मोबाइल पर एक ऐप आ गई है, ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके Naukri.com पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना पे वाला ही लो, जिसमें आपको वो कुछ पैसे पे करना पड़े, उसमें फ्री का भी आता है ऑप्शन, तो आप फ्री वाला भी ले सकते हो। तो जब आप Naukri.com पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप उसमें जो है ना अपना जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो लगाइए, और जो आप काम करते हैं जॉब प्रोफाइल है वो डालिए, और आप अपनी पूरी जो ओरिजिनल डिटेल है वो भर दीजिए, उसमें नंबर भी डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर कम से कम डालिए, और आप अपना लेटेस्ट CV डालिए। और जो नंबर आपने डाला है उन नंबर को कभी भी स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड पे मत रखिए, ताकि HR लोग आपको कॉल करें तो आपको ऐसा ना हो कि आप वो कॉल आपकी मिस हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको दिन में 4 बार कॉल करें, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप जो है ना जो भी नंबर उसमें 2 नंबर डालें उनको आप चालू रखिए। तो इससे क्या होगा कि जब जो ऐसे ही आप जो है ना Naukri.com पे अपना CV लगाते हो, CV डालने के बाद आपने जैसे ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है, अपलोड हो जाता है, तो वो अपडेट के लिए वेरिफिकेशन नंबर का वेरिफिकेशन होता है, आपके मोबाइल नंबर का ईमेल ID वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कोई HR जब भी कहीं पे किसी को जॉब के लिए मैन पावर को हायर करना होता है, यानी लोगों को रखना होता है, तो वो Naukri.com के ऊपर सर्च करते हैं जाके, तो जिनके CV जो है ना अपडेट हुए हुए होते हैं वो उनके जो है ना फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, मेल करते हैं, तो आप वहाँ से जो है ना आपके Gmail जो भी mail ID पड़ी होगी उसके ऊपर उसका मेल जाता है, ठीक है, आपके मैसेज के ऊपर भी आ जाता है, मोबाइल के ऊपर कभी कभी टैक्स्ट भी आ जाते हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बस उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह जो है ना फेक लोग रहते हैं, तो बस फेक लोगों का आपको ध्यान रखना है कि कोई जॉब जो है ना फेक तो नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको खुद से पता करते रहना होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा फेक ही मतलब जो है ना सही हो, फेक भी हो सकते हैं, तो उन फेक के लिए वो आपसे अगर पैसे की डिमांड करते तो आपको साफ मना कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ जो है ना किसी से कोई पैसा लेती नहीं है हायरिंग करने का, ठीक है, ये मेरा अपना खुद का जो है ना ओपिनियन है, किसी बाहर का नहीं है, मैं कंपनी की तरफ से किसी से बोल नहीं रहा हूँ, ना किसी का मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है ना जो कोविड में लोग जिन लोगों की जॉब चली गई उनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ अपने दिल से, कि इसलिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप किसी से जॉब मांगिए मत, आप जॉब खुद से सर्च करिए। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जिससे कि आपको जो है ना आसानी जॉब मिल सके। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग भी जो है ना किसी सोर्स के थ्रू कंपनी कोई मेंबर ऐसा नहीं होता जिससे हम लोग जॉब के लिए मांगते हैं या जॉब के लिए हम बोलते हैं सर हमें यहाँ पे जॉब लगवा दो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, Naukri.com का यूज़ करते हैं, और 2-4 चीज़ें और जो हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी
जब हमारी कहीं से जॉब चली जाए तो दूसरी जगह हमारी जॉब आसानी से लग जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना naukri.com को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में वो चीज़ पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही, मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ। और उस प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूंगा, आपको जो है ना उसमें आपको जो सर्च टैब आता है उसमें जाके डालना है कि जिस कंपनी में आप करना चाहते हो, जैसे जिस टाइप की आप कंपनी सर्च कर रहे हो उस कंपनी का नाम डाल दो, या फिर आप जिस प्रोफाइल में सर्च कर रहे हैं जैसे स्टोर मैनेजर की सर्च कर रहे हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डाल दो। उसके बाद लोकेशन आता है, जिस लोकेशन पे आप देख रहे हो उस लोकेशन को डाल के सर्च कर दो, तो आपको जो है ना वो चीज़ क्लियर आ जाती है कि वहाँ पे इस शहर में इतनी वैकेंसियाँ इस कंपनी की निकली हैं। वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, कहीं कहीं पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे स्किल के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, तो उसका आपको आंसर देना होता है। वो डायरेक्ट जो है ना आपका CV वहाँ पे पहुँच जाता है, और जैसे ही वो लोग जो है ना व्यूज़ करते हैं तो वो उसका भी मैसेज आ जाता है आपके पास कि एक HR ने आपका CV को देख लिया है। ठीक है, सारी डिटेल उसमें रहती है, आप जैसे जैसे उसको चलाएंगे और आपको उस चीज़ के बारे में आराम से समझ में आता रहेगा। और मेरा मानना ये है कि आप उसको जो आपका naukri.com का जो प्रोफाइल है उसको पर डे ओपन ज़रूर करें। इससे क्या होता है आपका प्रोफाइल अपडेट होता रहता है और वो ऊपर रहता है। अगर आप उसको देखें ना तो वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने का मतलब ये है कि जो भी HR हैं वो उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप उसको अपडेट करते रहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जिस टाइप की आपको कंपनी में जॉब चाहिए। जैसे मेरा रिटेल सेक्टर है तो मैं रिटेल वाले ग्रुपों को ज्वाइन करता हूँ, लाइक करता हूँ, जिससे क्या होता है वहाँ पे भी कुछ लोग HR लोग ऐड रहते हैं तो वो जॉब के पोस्ट डालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से जॉब देखी और वेरीफाई किया कि ये कंपनी सही है, ये लोग सही हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे अपना CV डाल देते हैं। CV डालने के बाद जब HR की कॉल आती है कि इंटरव्यू के लिए, तो फिर उनसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सर आपके यहाँ पे कोई चार्जेस तो नहीं है इस टाइप का, या कंसल्टेंसी तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, डायरेक्ट कंपनी है। अगर बोलते हैं हाँ डायरेक्ट कंपनी है तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग की भी जॉब लगती है, आपकी भी जॉब इसी तरीके से आराम से लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि सभी की जॉब ज़्यादातर कोविड में जा रही है, तो मैं आप सबसे जो है ना बिंदी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना इधर उधर कहने से अच्छा है कि अपने आप जो है ना उसको सर्च करो। और जहाँ पे भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आपकी जो है ना हेल्प करूँगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।